हाँ तो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल, जय श्री राम। और तो भाइयों कैसे हो। तो भाई आज की वीडियो हम अनबॉक्सिंग करने वाले कॉस्मिक बाइट के इस वाले हेडफोन की। भाई जो पुराना वाला हेडफोन था ना मेरा, वो तो भाई काम से गया पूरा का पूरा। तो इसलिए भाई मैंने नया हेडफोन मंगाया जिसका नाम है भाई प्रोटियस कॉस्मिक बाइट का, जो कि है ठीक है, जो कि आपको मिलेगा भाई 1999 के 1999 को। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर लेना इफ आपको अच्छा लगे इस वाली वीडियो में तो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आ जाओ यार, इसको फाड़म फाड़ी कर लेते हैं ना गाइस। अभी देखते हैं इसमें है क्या भाई, कैसे दिख रहा है इसके अंदर। सो चलो यार जल्दी से चाकू से इसका मर्डर कर लेते हैं। तो देखो यार गाइज, ये पहले आ गया बिल यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हो इसका प्राइस यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। 1999 को मैंने परचेस किया है अभी मतलब। ठीक है, और यार हेडफोन भाई प्रोटियास भाई सब, ये देखो भाई मैंने मंगाया भाई इसको वाइट वाइट में। ठीक है, ब्लैक भी था बट ब्लैक अवेलेबल नहीं है फिलहाल, क्यों पता नहीं भाई। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं चक्कर में था ब्लैक ही लूँ, बट क्या करें भाई ये ब्लैक वाला अवेलेबल कर ही नहीं रहे, तो भाई मैं तंग आ गया इसकी वजह से। तो भाई मैंने सोचा अभी वाइट ही ले लूँ जो अवेलेबल है फिलहाल। ठीक है, तो अभी देखो इसको खोलते एक बार, इसमें देखते है क्या क्या है भाई। भाई साहब आधा किलो का वजन है क्या भाई। इसको साइड में रख देते, बाद में फटाके फोड़ेंगे भाई उसके। अभी इसको क्या कर रहे हैं, इसको रख देते साइड में है ना, जैसे के जैसे पैक कर लेता हूँ इसको एक बार, दिखाते हैं इसमें क्या क्या मिला है अपने को। तो देखो सबसे पहले ये कागज़ वागज दिया है भाई, किस लिए दे रहे हो भाई इतना, वो कौन पढ़ेगा भाई, हमको इंग्लिश नहीं आता भाई। आता तो है बट बाकी बंदे को बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये देखो भाई स्पीकर साउंड इसका जो जो है 50 mm का ड्राइवर है, 50 mm का। ठीक है, बाकी आप देख ही लो, आपको भाई बाद में पता ही चलेगा जब आप परचेस करोगे। फिलहाल मैं इसको देख देता हूँ, नीचे फेंक देता हूँ। ठीक है, और ये रही भाई 3.5 mm की केबल, जो कि काफ़ी लंबी लग रही है मेरे को, मैं खोल के देख रहा हूँ। अच्छा ऐसा है भाई, इसकी माँ क्या, तो काफ़ी लंबा है भाई, इसमें तो दिख भी नहीं रहा। ये देखो काफ़ी लंबी लग रही है, और ये भी इसी कलर में ही है, वाइट लिया है इसकी वजह से, पर मेरे को नहीं चाहिए था वाइट में, तो छोड़ यार अभी ले लिया है तो भाई दुखाना क्या मन को। ठीक है, अभी इसमें बात कर लेते हैं और रे केबल आ रही भाई। ये रही भाई आपकी पीसी वाली केबल, जो आप पीसी में कंट्रोल करोगे मतलब। ठीक है, तो अभी खोल लेता हूँ ज़रा केबल, तो इसकी भी काफ़ी लंबी लग रही है वैसे। तो क्वालिटी तो है भाई, वायर की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी लग रही है मेरे को, ये ख़राब होने वाली है नहीं। बाकी एयरफोन से मुकाबले देख ले तो ये पुराना वाला ही देख लो, इतनी मतलब क्या ही बताएं। ये देखो भाई इस तरह की वायर देखी कभी, इस तरह की वायर सेम वैसी वायर है गाइज। मटेरियल भाई बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया लग रही है इसकी, उसको भी साइड में फेंक देते हैं फिलहाल के लिए। ऐसे 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 करेंगे, इसको नीचे रख देंगे, जब निकालना हो तब निकाल लेंगे गाइज। तो भाई RGB कनेक्ट करने के लिए मेरे को चाहिए होगा भाई PC वीसी, नहीं तो फिर और कुछ जहाँ पे अपना ये लगा सके। ठीक है, तो ये रहा अपना हेडफोन, तो ये मैं भी अभी मेरे भांजे को दे दूंगा फाड़ने के लिए। बाकी ये क्या भाई, ये तो निकल गया। अच्छा यहाँ पे लगाना है ऐसे। सो गाइज अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये आ रही है इसकी माइक्रोफोन से मतलब। ठीक है ना, जो माइक है इससे आ रही है। ठीक है, तो कैसे आ रही है भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। मेरे को तो वैसे बहुत अच्छी लगी, मेरे टीममेट बोल रहे थे कल भाई बहुत ही अच्छी आया आवाज़ आ रही है, हेडफोन वेडफोन लिया क्या, तो उन्होंने पकड़ा लिया भाई मेरे को। ठीक है, तो मेरे को बताओ यार कैसी आ रही है। फिलहाल तो मैं इसको पहन रहा हूँ भाई, आप बताओ कैसे दिख रहा है। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से भाई, मतलब पूरा सराउंड साउंड मेरे को बाहर का आवाज़ कुछ भी नहीं आ रहा है, जो कुछ आ रहा है भाई इससे आ रहा है माइक से। ठीक है, और ये भाई इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, देखो वाहे वाहे का सब तरफ जा सकता है, और भाई एकदम कड़क लग रहा है। और इसको निकाल भी सकते हो आप चाहते हो तो, इधर से निकल भी जाता है, इसको निकालोगे तो निकल भी जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर इसके भाई बात कर रहे प्राइस के हिसाब से भाई, ये किस मतलब लेने लायक है या नहीं, तो देखो भाई गेमिंग के पर्पज़ के लिए ले रहे हो ठीक है तो ले लो भाई। अभी तक देखो भाई मैंने GS 410 लिया है, जिस मतलब प्रोटेस लिया है, उसके पहले भाई मैं ईयरफोन्स भी यूज़ कर सको इनके, जैसे कि CP EP04 है भाई, 05 है। ठीक है, ये सब मैंने भाई इससे मतलब सब कॉस्मिक बाइट के लिए भाई, इसलिए मेरे को पसंद है बिकॉज ये गेमिंग साउंड बहुत बढ़िया देते हैं। ठीक है, बाकी भाई म्यूजिक की क्वालिटी मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट गेमिंग के लिए पर्पज़ के लिए भाई मैं इसको मतलब 100% दूंगा। ठीक है, बिकॉज इसके जो गेमिंग का साउंड है, फुटस्टेप्स है भाई, बारीक बार छोटी सी भाई फुटस्टेप देता है। ठीक है, इसके लिए मेरे को ये हेडफोन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने प्रोटेस्ट मंगाया था इस बार। पिछले बार मेरे पास थोड़ा सा बजट कम था तो मैंने 410 मंगाया था, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो अगर आपका बजट
बजट है 1000 के नीचे का, ठीक है, तो आप इसके तरफ जा सकते हो। बट इसका एक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका मैं ज़रूर बताऊंगा बाद में, पर थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। इसका जो कंफर्टेबिलिटी है ना भाई, तो मतलब ये बाद में ऐसा होता है, स्टार्टिंग में आपको पकड़ लेगा, टाइट रहेगा, ठीक है, उसके बाद में वो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, तो आपको जो सराउंड साउंड है ना वो ज़्यादा आएगी घुस के अंदर, ठीक है ना। जब आप शांत वातावरण होगा उस टाइम का वो अच्छी आवाज़ आएगी आपको गेमिंग की, बाकी टाइम भाई वो आएगी नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा सीन है भाई उसको, इसके जो कुशन है इसके वो भी जल्दी से थोड़े से फट गए थे मेरे, मतलब 2-3 मंथ में ही थोड़े से काम से चले गए थे। बाकी कंफर्टेबिलिटी बात करें तो ये वाला बढ़िया था, इसका साउंड भी बढ़िया था, इसका माइक भी बढ़िया था, ठीक है। तो अभी बात कर ले इसका भाई, इसके कुशन भाई ख़राब होने का नाम ही नहीं ले, मेरे को नहीं लग रहे, चांसेस ही नहीं है भाई, बिकॉज इसके जो कुशन है वो बहुत बढ़िया लगे मुझे। आप कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कैसे, और भाई इसका कुशन कैसे लगाना अगर आपके निकल गए हो तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ गाइज, मैं बताऊंगा इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा गाइज, मैं डर गया था ये कुशन कैसे निकल के आया भाई कंपनी की तरफ से। तो ये कंपनी का थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा कंपनी ध्यान रखना चाहिए कुशन, मतलब जब भी आप देते हो किसी को तो कुशन लगा के दो गाइज, एक साइड का लगा हुआ एक साइड का नहीं लगा हुआ भाई, फट जाती है बंदों की, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे वीडियो, आज की वीडियो तो यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है। और अगर आप आईफोन यूज़ करते हो ना तो ये स्प्लिटर ले लो गाइज, ठीक है, 3.5 mm का जैक मिलता है, एडेप्टर मिलता है, ये आपको मिलेगा 1000 रुपये के आसपास में, और ये ओरिजिनल चाहिए गाइज, ठीक है। जो डुप्लीकेट मिलते हैं ना मार्केट में वो मत यूज़ करो, वो ख़राब हो जाता है एक ही हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो गाइज ओवरऑल गाइज अभी तो मैंने तो बता ही दिया, मेरा तो अनबॉक्सिंग इतना ही था, अभी गेमिंग का रिव्यू मैं आगे बताऊँगा। तो मैंने गेमिंग बहुत करी, रात में 4 से 6 घंटे खेला, बट एक दिक्कत आई है बस, वो कान दुख जाते हैं भाई, ठीक है ना। 3-4 घंटे आप खेलते हो ना तो कान दुख जाते थोड़े से, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, एक बार आदत लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है वैसी। बाकी भाई गेमिंग के लिए मैं बोलूँगा 100% लो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। एंड फिलहाल ये थोड़ा सा ऑफर में भी चल रहा है तो आप ले लो, इसमें से भाई वाइट ही चल रहा है, जब ब्लैक आए तो ब्लैक भी ले लो जिनको ब्लैक पसंद है, बट मेरे को ये कलर भी पसंद आया, एक ही वजह मतलब वाइट ही वहाँ पे मिल रहा था, बट मेरे को पसंद आया भाई इसका मतलब जो कलर है वो ठीक है। आपको मैं नहीं चाहिए तो आपको एक एक चीज़ भी दिखाता हूँ, इसका जो RGB ना वो लाइट बंद करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस परचेस करना हो तो कर लो भाई, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे अनबॉक्सिंग वीडियो मैं लाते रहूँगा हेडफोन्स की, ठीक है। तो इसका ग्रे गेमिंग प्रीव्यू भाई अब एक मंथ बाद डालेंगे, नहीं तो फिर एक हफ्ते बाद डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो मैंने डाला नहीं बट इसका मैं वीडियो डालूंगा गाइस, इसका थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मुझे, पर भाई साल तक चला है, एक साल तक चला, पर बाद में मेरे भांजी ने तोड़ दिया भाई, उसकी दिक्कत हो गई। बाकी आवाज़ चल रहा था उसका, एक 1 ईयर तक भाई हेडफोन चल रहा है, बहुत बड़ी बात है गेमिंग वाला, ठीक है। आप नॉर्मल हेडफोन्स तोड़ देते हो यार 2 महीने में, ये तो एक साल चल रहा है। वो भी भाई मैंने लिया था उस टाइम पे 600 या 700 रुपये का, तो अभी सोच लो गाइस, मैंने 700 रुपये का हेडफोन मेरा एक साल तक गया, एक साल से ज़्यादा हुआ है, वो भी टूटा भी नहीं, ख़राब भी नहीं हुआ, बट मेरे भांजी ने वो तोड़ दिया वायर सीधा, मैं क्या करूँ उसमें। तो इसलिए भाई मैंने नया हेडफोन मंगाया जो कि प्रोटियस, ठीक है। आपको अच्छा लगा, आपकी माइक क्वालिटी अच्छी लगी तो भाई ज़रूर परचेस करना, मैं तो भाई इसको इसकी तरफ जाने के लिए 100% बोलूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा एंड बाय बाय, सी यू गाइस।